पाकिस्तान में एक साल से ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल ड्रामे चल रहे हैं वो इतने कंफ्यूजिंग हैं ख़ुद पाकिस्तानियों के लिए और हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं उनके लिए भी, और भारत में जो हमारे दोस्त हैं ख़ासतौर पर मेजर गौरव आर्या जी जो बहुत ही कीनली पाकिस्तान की चीज़ों को वॉच करते रहते हैं, वो भी एक सतह पर सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ साथ जबकि पाकिस्तान इतनी मुश्किलात से गुज़र रहा है, इतनी कन्फ्यूजन से गुज़र रहा है, मगर पाकिस्तान में एक नरेटिव बिल्ड करने की बार बार कोशिश की जाती है कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो बड़ी बुरी हालत हैं। भाई आपके यहाँ जो अपने लोग रह रहे हैं उनका जो एक दूसरे के साथ टाकरा हो रहा है, टैंपठास हो रहा है, उस पर तो बात आप करते ही रहते हैं मगर उसको सॉल्व नहीं कर पाते तो आप भारत के अंदर साथ घुस जाते हैं। ये हैं वो बातें जो आज हम मेजर गौरव आर्या जी के साथ करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं दिल्ली से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। हम कनाडा में बैठ के देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जज ही एक दूसरे के तास, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, ठैंपटास हो रहे हैं और वो पटाखे छोड़ रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी से ये डिमांड कर रहे हैं जज लोग कि हम एक साथ मिल बैठें, आप तो मिल बैठने की पोजीशन में नहीं है। तो ये जो पूरे का पूरा मंजरनामा है ख़ासतौर पर एक साल से जो आप और हम सब देख रहे हैं, और प्रिसाइजली ये जो जजों का खेल है ये भी हम कुछ महीनों से देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या कमेंट्री बनती है? सर एक ज़माना था जब कोई भी मुझसे ऐसे सवाल पूछता था मैं फट से जवाब दे देता था। टुडे आई मस्ट एडमिट सर, ये मुझे बात कबूल करनी पड़ेगी कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। मुझे क्योंकि सवेरे कुछ खबर होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ हो जाती है सर। ठीक है, खान साहब ने पहले बोला कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला तो अमरीका की साजिश थी, फिर बोला राणा सनाउल्ला और शहबाज शरीफ और किसी और की मिलकर साजिश, नवाज शरीफ की साजिश थी कि मेरी हुकूमत गिर गई। उन्होंने तीन चार लोगों को बीच में और ब्लेम करा कि इसकी थी, उसकी थी, फलाने, सब दुनिया की, कोई मरीज से आया था, कोई चांद से आया था, सबको ही बोला। अब लेटेस्ट खान साहब ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने मुझे प्रेशर डाला कि तुम भारत से दोस्ती करो इसलिए हमारी रिलेशनशिप खराब हुई। तो अगर मैं वजूहात लिखूंगा एक कागज पे, अगर इसकी एक फहरिस्त बनती है कि भाई इमरान खान की हुकूमत क्यों गिरी, तो सर ये हर दूसरे तीसरे दिन एक नया चैप्टर खुल जाता है कि नहीं पिछली वाली जो वजह मैंने बताई थी उसको भूल जाइए, अब एक नई वजह आ गई है जिसकी वजह से हुकूमत गिर गई है। तो हम लोग क्या है सर कि हम लोग डेटा पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग बोलते वक्त हो सकता है ऐसा लगे कि हम लोग इमोशनल हैं लेकिन हम जज्बातों पे नहीं चलते, उसके कहीं ना कहीं डेटा की वर्किंग होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स का होता है। तो आज की तारीख में जैसे जो जजेस को लेकर चीजें हो रही हैं, जजेस की आपस में, सिर्फ शहबाज शरीफ और बंदियाल साहब की मैं बात नहीं करूंगा या कोई और बेंच की, किसी और बेंच के, आपस में जो जजेस की बात चल रही है सर, इट इज सो कंफ्यूजिंग टू द आउटसाइड ऑब्जर्वर। एंड आई हैव यू नो पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ ट्रैक टू इन इंडिया, जो इंडिया पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, जो इंडिया पाकिस्तान के ट्रैक टू का जो हिस्सा रह चुके हैं इन द पास्ट, और जो पाकिस्तान जा चुके हैं कई बार, जिनके पाकिस्तान में दोस्त हैं, उनके घर में खाना पीना उठना बैठना है, उनके दोस्त भारत आते हैं उनके घर में रहते हैं उनके साथ एज फैमिली मेंबर्स, वो लोग जो पाकिस्तान को इतना अच्छा जानते हैं, वो लोग आज मुझसे कहते हैं कि पाकिस्तान में इतना कंफ्यूजन कभी नहीं रहा, और कहा कि हम 40 साल से पाकिस्तान को वॉच कर रहे हैं, वी हैव बीन पोस्टेड टू पाकिस्तान, वी हैव बीन देयर एज डिप्लोमैट्स, वी हैव बीन देयर एज पार्ट ऑफ ट्रैक टू, पर हम कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुए पाकिस्तान को देख के जितना आज हो रहे हैं। क्योंकि हर एक बंदा सुबह दोपहर शाम पहर बदलता है, स्टेटमेंट बदलता है, पाकिस्तान की किस्मत, पता नहीं क्या हो रहा है सर यहाँ पे। So, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पहली बार सर आपकी शो में कई बार आ चुका हूं, मुझे आपने मौके दिए कई आपकी शो में आने के सर, लेकिन पहली बार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग सर। मैं सवेरे एक बयान सुनता हूं किसी का, मैं दोपहर तक अगर उसका एनालिसिस बताता हूं, पता लगा कि भाई लोगों की पार्टी ने दोपहर कुछ और बोल दिया, मैं दोपहर बैठता हूं शाम को, अब मैंने एनालाइज करना छोड़ दिया, मैंने बोला अब जो होगा बाद में, जब हो चुका होगा तब देखेंगे। जी इट्स बिकमिंग टू डिफिकल्ट सर। जी जी आपने कहा कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। मैं पाकिस्तान को हमेशा से इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कि ये हर एतबार से कंफ्यूज समाज है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे बात हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे साइंटिफिक लेवल पे हो, चाहे ये पॉलिटिकल और गवर्नेंस के लेवल पे हो। तो इस कुलिए को
मैंने जब 40 साल पहले समझ लिया जब मैं यंग था कि ये एक कंफ्यूज समाज है जिसकी बुनियादें ही इंसेप्शन ही कंफ्यूजन पे है और इसने इसी तरह चलना है। तो मैं सब जब हम ये तय कर लें कि ये एक कंफ्यूज समाज है जो कि है, उसके बाद चीज़ें समझना आसान नहीं हो जाती क्या? सर एक्चुअली क्या है, हमारा जो काम है एज एनालिस्ट, हमारा काम है पाकिस्तान, चाइना, नियर ईस्ट या फार ईस्ट, इसको वॉच करना, जो हमारा एक जो हमारा हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हम कमेंट करते हैं। जैसे चाइना के बारे में यू कैन बी फेली सर्टेन कि चाइना सीक्रेटिव चीजें रखेगा, लेकिन चाइना का एक तरीका है, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। जो पाकिस्तानी अक्सर ना, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग कि हम सरप्राइज कर देंगे इंडिया को, हम इसको सरप्राइज कर देंगे। ये इंडिया को क्या सरप्राइज करेंगे सर, पाकिस्तानी खुद को सरप्राइज कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं सर कि जो एक कोई भी एक, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो आपके, शहबाज शरीफ साहब, उनको ले लीजिए, किसी और को ले लीजिए, या आपके जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब हैं उनको ले लीजिए आप, एवरीबडी इज, ऐसे लगता है सर जैसे सर कि कोई, माफ करिएगा थोड़े से सख्त लफ्ज हैं, मुझे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, कि जैसे कोई गिद्ध होगा और सर नीचे कोई मरा जानवर है और उसकी बोटियां नोच रहे सर ये लोग। मतलब कि भारत में भी होती है सर पॉलिटिक्स, और भारत में पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, 100 गुना ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी इन्वॉल्व है जो कि बहुत बड़ी गद्दी है सर, पाकिस्तान की तो छोटी मोटी सर, वहां पर बहुत बड़ी गद्दी इन्वॉल्व है। लेकिन भारत में भी तनकीद होती है, भारत में भी यू नो तू-तू मैं-मैं होती है, लेकिन भारत में कोई भी लीडर सर, चाहे वो ऑपोजिशन का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो, कोई इस लेवल तक नहीं जाता। एक मर्यादा है सर, एक लक्ष्मण रेखा है, आई डोंट नो द उर्दू वर्ड, मर्यादा का एक लिमिट है सर, एक पत्थर की लकीर होती है जिसको आप, कुछ हो जाए आप वो लकीर पार नहीं करते। जैसे अगर आप मुझसे उम्र में बड़े हैं सर, मैं आपसे पोलाइटली बहस कर लूंगा, लेकिन एक लेवल के बाद मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मुझे ये पता है ताहिर साहब मुझसे बड़े हैं और मुझे पता है मुझे उनकी इज्जत करनी है। ये एक अच्छा, ये तो कोई कानून नहीं है ना, एथिक्स है ये एथिक्स है सर, ये जो माँ बाप सिखाते हैं वही तो चीज है और तो कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई लिमिट नहीं रह गई कि ये मुल्क को आग लगाने में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सक्षम हैं, केपेबल हैं, लगा देंगे आग, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुर्सी पे बैठना है। और ये जो इनके फेवरेट है ना सर मुगल्स, ये वही मुगल्स की पॉलिसी है, औरंगजेब ने अपने भाइयों की गर्दनें उड़ा दी, बाप को जेल में डाल दिया, दिस इज द सेम थिंग। इसने बोला था ना मैं मुगल्स के ऊपर, बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, इमरान खान जी, वो खुद ही फिल्म है इमरान खान तो। हाँ जी वो तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज है सर वो आदमी पूरा, फिल्म तो क्या ही हो। तो मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान ने मुगलों से बिल्कुल ठीक सीखा सर, अय्याशी, मुगल्स आर फेमस फॉर अय्याशी सर, अय्याशियां करी, भाइयों के बाप के गले काटे सर, ठीक है, मारा काटा, खून बहा, ठीक है, और यही सब सीख रहे हैं सर ये लोग। तो अब क्या ही बताएं इसमें सर, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, मतलब अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलूं, इट्स एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग फॉर एन आउटसाइड व्यूअर, क्योंकि वही बंदा जब रोज अपने 3 बार स्टेटमेंट बदलेगा, और सब कर रहे हैं, जो इमरान खान को यू टर्न बोलते हैं, इमरान खान नहीं सर, एवरीबडी इज, पता नहीं कोई कब कुछ कह रहा है, कोई कब कुछ कह रहा है, इन एबिलिटी टू सिट टूगेदर। भाई इनको एक बात ये माननी चाहिए, ठीक है, कि पाकिस्तान अगर होगा तो हमारी सियासत भी होगी। वो कहते हैं पाकिस्तान हो ना हो हमारी सियासत पहले चमक जाए, पर जब आपके सियासतदानों का वही एक एम है लाइफ में कि हमारी सियासत चमक जाए, हमारी सियासी रोटी सिक जाए, पाकिस्तान जाए भाड़ में, तो फिर पाकिस्तान उसी डायरेक्शन में जाएगा भाड़ में जिधर आप उसको भेज रहे हैं, बिकॉज सब लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं ना सर, जजेस भी मिलकर धक्का दे रहे हैं, फौज भी मिलकर धक्का दे रही है, सियासतदान भी मिलकर धक्का दे रहे हैं, और वहां पर जो आम जनता है, जो आवाम है, आवाम परेशान है कि साहब मुल्क कहां पर जा रहा है, हम लोग कहां पर जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक अजीब सा सूरत हाल है, विच फॉर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर लाइक मी कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट्स आल्सो वेरी कंफ्यूजिंग सर। जी आपने मेरे साथ ही बातचीत के दौरान कई बार कहा कि खास तौर पर पाकिस्तान से जो एक साल के अंदर खबरें जन्म ले रही हैं, जो हंगामे वहाँ पर जन्म ले रहे हैं, वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छे हैं, और इमरान खान भारत का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज के दिन भी आप उसी तरह फील करते हैं? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना कि ट्रेड होनी चाहिए, अब एक माहौल सा बन रहा है पाकिस्तान में, और ये जो माहौल है बनवाया जा रहा है सर यूट्यूबर्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, ट्रैक टू के थ्रू,
कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, भारत के साथ भारत देखिए ना, ये भी इसमें भी आपने पिछले एक साल के कंफ्यूजन की बात करी, मैं आपको बताता हूं सर, कंफ्यूजन एक्चुअली कहीं और से आ रहा है। छोटी सी बात है, पाकिस्तान हर उस चीज में भारत से बातचीत करना चाहता है, भारत से तालमेल बनाना चाहता है, रिश्ते जोड़ना चाहता है जिससे पाकिस्तान पैसे कमाए। पाकिस्तान भारत से ट्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि उसको भारत को डॉलर देने पड़ेंगे, भारत कोई क्रेडिट तो देगा नहीं, पाकिस्तान को रोल ओवर क्रेडिट होगा नहीं, लोन होगा नहीं, एड होगी नहीं, आप पैसे दीजिए, आप माल खरीदिए। तो ये पाकिस्तान को गवारा नहीं है कि भारत से वो ट्रेड करे, इसलिए पाकिस्तान ट्रेड बंद कर रहा है, ट्रेड की बात नहीं कर रहा। ये दबे लफ्जों में बात हो रही है दाएं बाएं, बट इसके ऊपर कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रहे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एशिया कप ये लोग खेलना चाहते हैं क्योंकि भारत की टीम आएगी तो मोटे पैसे की कमाई होगी, सब जाहिर सी बात है, और जो होस्ट कंट्री है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, उसको परसेंटेज शेयरिंग उसकी ज्यादा होती है। उसी तरीके से और किसी चीज में ये लोग इच्छुक नहीं है कि भारत में रिलेशनशिप बढ़े किसी भी चीज में, बट जिसमें इनको दो रुपए कमाने का जिसमें होप है, जिसमें उम्मीद है, उसके लिए पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, एशिया कप के पीछे पड़े हुए हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं सर, ये कहते हैं कि भारत ने स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर दिया, ठीक है, क्योंकि भारत ने मना कर दिया तो नजम सेठी साहब का भी ये डायलॉग है और उसके पहले रमीज राजा साहब थे उनका भी ये बड़ा मशहूर बयान था कि भारत ने बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत एक अजीब गरीब माहौल है कि भारत ने स्पोर्ट्स में भारत सियासत ले आया। तो भारत भी मुड़के कह सकता है कि साहब आप ट्रेड में सियासत ले आए, सियासत की वजह से, कश्मीर की वजह से तो आपने ट्रेड बंद करी, अब उसी कश्मीर की वजह से अगर हम क्रिकेट बंद कर दें तो आपको बुरा लग रहा है। आप देखिए ना सर, पाकिस्तान पिक एंड चूज करता है, हम भारत के साथ इसमें एंगेज करेंगे क्योंकि इसमें फायदा है और इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान आए और खेले, फिर कश्मीर कहां गया, फिर कश्मीर कहां गया, कश्मीर पे इसका मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ट्रेड पे आपने बोला हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कश्मीरियों के साथ ये कश्मीरियों को बेवकूफ समझते हैं क्या सर, ये समझते हैं कि कश्मीर बिल्कुल अहमक है कश्मीरी और उनको बिल्कुल अकल नहीं है, उनको ऐसे नहीं है, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, इमोशनल है कश्मीरी, मैं इंडियन कश्मीरीज की बात कर रहा हूं, दे आर इमोशनल पीपल बट दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनको पता है कौन कौन सी चूरन फिट कर रहा है वहां पे, दे नो वेरी वेल, वो बेवकूफ नहीं है सर, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने दुनिया देखी है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान ना कभी ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर कश्मीर का ये हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन हमें एशिया कप चाहिए, फिर हम तो अच्छा। दूसरी चीज है, चलिए अगर आज इंडिया कह देता है कि ट्रेड करिए, इंडिया कह देता है चलिए आपके हाल बड़े खस्ता हैं, हम आज मान लेते हैं कि आलू प्याज सब्जी टमाटर अंडे चंडे चिकन जो भी आपको चाहिए, यहां से लाखों टन हर रोज सामान पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है और एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में हर एक चीज जो है, जो टमाटर आपका 150-200 का मिल रहा है 20 रुपए का आ गया क्योंकि इंडिया ने इतना माल पंप इन कर दिया, डिमांड एंड सप्लाई का गैप खत्म हुआ और नीचे डिमांड ज्यादा हो गई, सॉरी सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड वहीं पे रहा तो अपने आप प्राइसेस क्रैश कर गए। लेकिन जीतेगा कौन सर चुनाव, इमरान खान, ये अभी तक तो यही बात हमें समझ में आ रही है, इमरान खान आके फिर वो ट्रेड बंद कर देगा। अगर खान साहब फिर वो ट्रेड बंद कर देते हैं फिर भारत को ऐसा लगेगा यार एक प्रधानमंत्री बोलता है शुरू करो, दूसरा प्रधानमंत्री बोलता है खत्म करो, क्योंकि इमरान खान का तो एक पोजीशन है इसमें कि जब तक 370-35 से नहीं होगा, वापस नहीं लेगा भारत, तब तक हम भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप भारत के साथ ट्रेड नहीं, भारत भी यही कह रहा है, भारत को जरूरत थोड़ा है, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और कुछ सालों के अंदर थर्ड लार्जेस्ट बनने वाली है, वर्ल्ड बैंक की कल ही रिपोर्ट आई है सर, वर्ल्ड बैंक की, यू नो इट इज इंडिया इज एन एक्सट्रीमली स्टेबल इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड, जो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर हमें एक इकोनॉमी का नाम लेना पड़ेगा लार्ज इकोनॉमीज में तो हम यूएस का चाइना का नहीं लेंगे, हम इंडिया का नाम लेंगे जो सबसे स्टेबल इकोनॉमी है इस वक्त, जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की जरूरत है, लेकिन आपको हमारी जरूरत है फिर भी आप अपनी शर्तें लगाते हैं कि हम ये करेंगे नहीं, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर तुम ऐसा करना, ऐसा तो नहीं होता ना सर। देखिए पाकिस्तान इस वक्त सीवियर क्राइसिस में है हर फ्रंट पे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इवन आइडियोलॉजिकल, लेकिन पिक एंड चूज की जो वहाँ पे एक रीत पड़ी हुई है कि हम क्राइसिस में भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रखेंगे। अब यूट्यूब के ज़माने में आप और मैं, तो मेरे सब बहुत सालों से जब यूट्यूब नया नया था हमने शुरू किया, लेकिन आज तो सैकड़ों चैनल्स आ गए और आने भी चाहिए, हर एक को राइट है, मगर वो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और दर्द क्या है,
पाकिस्तान के नए चैनल्स को मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं वो हम उछालें। अच्छा, जो पाकिस्तान में मुसलमानों का मुसलमानों के साथ बुरा सलूक हो रहा है उस पर कोई बात नहीं होगी। मैं वहाँ पे हिंदू बच्चियों के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ बुरे सलूक की बात नहीं कर रहा, वो तो अनफॉर्चुनेटली अपनी हाइट्स को छू रहा है। जो खुद मुसलमान मुसलमानों के साथ वहाँ पे कर रहे हैं उसमें कोई बात नहीं होगी, लेकिन सबको दर्द है कि भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। मेरे जहन में ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए था, तो फिर अगर ये एज्यूम करते हैं पाकिस्तानी कि जी मुसलमान भारत में बुरी हालत में है, तो सबको कहें कि आ जाएं फिर इधर, जो जो भारत में महसूस करता है हम बुरे हैं, जो कि भारत में महसूस नहीं करते, मैं अभी वहाँ आप ही के साथ था, तो ये मंजर आप कैसे सर देखते हैं? सर ऐसा है कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। ताहिर साहब, पहली बात तो ये सर कि यू नो कि ये भारत भारतीय मुसलमानों का दर्द जो टू नेशन थ्योरी थी सर, अब टू नेशन थ्योरी अगर पाकिस्तानी मान जाते हैं ये सच कि भारत के मुसलमान उतने ही खुश हैं या उतने ही दुखी हैं जितना हिंदू है, जितना हिंदू की हालत खराब है हालत अच्छे हैं, उतने ही मुसलमान की हालत खराब है अच्छे हैं, अगर कोई पाकिस्तानी मान लेता है तो इसका मतलब फिर उसको नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यह है कि उसको यह मानना पड़ेगा कि साहब टू नेशन थ्योरी पूरी फ्रॉड थी। क्योंकि टू नेशन थ्योरी का मामला ही ये था ना सर कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर बिकॉज़ दे आर टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस, टू डिफरेंट कल्चर्स। बांग्लादेश की सूरत में आपको टोकता हूं तो ये सारी फ्रॉड साबित हुई ना? बिल्कुल सर, ये एक्चुअली फ्रॉड है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप इनको कोई भी दलील दे दीजिए, और कई भारतीय मुसलमान है जो दलील देते हैं, तो जो मेरे मुसलमान भाई बहन है भारत में, मैं उनसे कहता हूं कि आप पाकिस्तानियों को दलील मत दीजिए, आपकी जो दलीलें हैं वो लॉजिकल हैं, और लॉजिकल चीजें पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। हिंदुस्तानी मुसलमान जब भी उनका इंटरव्यू लेते हैं क्या दलील देते हैं ये लोग, और अच्छे मन से देते हैं सर, भले मन से देते हैं भारतीय मुसलमान, लॉजिक की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, तो लॉजिक की बात करेंगे, जाहिर सी बात है। वो कहते हैं कि नहीं साहब ठीक ठाक है यहाँ पे, और कुछ हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन वो चैलेंजेस सबके हैं, हिंदुओं को भी हैं, सिखों को भी हैं, और उनका यह भी कहना है कि साहब 140-142 करोड़ का मुल्क है राइट, तो यहां पे जब इतने बर्तन होंगे तो खटकेंगे, जाहिर सी बात है, कहीं रामनवमी का प्रोसेशन चलेगा और कहीं पे रोजे कोई रखेगा, कुछ खटपट होगी, ठीक है। इन अ कंट्री वेयर रिलीजन इज यू नो इट्स मोर देन जस्ट यू नो, जैसे कि अमेरिका में या कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में जहां पे लोग मजहब से दूर हो गए, यहां पे लोग मजहब के पास हैं बहुत ज्यादा, उनकी डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मजहब राइट, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो, तो इसमें खटपट होती है। लेकिन सर हमारे मस्जिदों में बम नहीं फूटते सर, हमारे मस्जिदों में सुसाइड बॉम्बर नहीं जाते, हमारे मस्जिदों में ग्रेनेड आज तक किसी ने नहीं फेंका, हमारे मस्जिद में AK-47 घुस के किसी ने 30 लोगों को नहीं भून दिया सर, किसी ने बम से 100 लोगों को नहीं, ये हमारे मस्जिदों में नहीं होता आज तक, मैंने तो नहीं सुना सर, मैं भी 50 साल का हो गया हूं और मैंने आज तक नहीं सुना कि भारत के मस्जिद में किसी ने बम फूंक दिया और इतने नमाजी मर गए और ये हो गया, you know, I have never heard this. ये पाकिस्तान में ही होता है, this is unique to Pakistan. ये दूसरा मेरा पॉइंट है। और तीसरा सर बड़ा अहम पॉइंट है कि जो मैं कह रहा था कि इंडियन मुस्लिम्स जो लॉजिक देते हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी जब पूछते हैं तो उनको लॉजिकल आंसर देते हैं। देखिए आप किसी भी फैसेट में देख लीजिए सर, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं मुसलमान, मैं सिखों की बात नहीं कर रहा, मैं सिख की बात नहीं कर रहा, एक सिख हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सिख हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मुसलमान हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एयरफोर्स के चीफ यानी सर्विस जो आर्मी नेवी एयरफोर्स, एयरफोर्स के चीफ हमारे मुस्लिम रह चुके हैं, कितने आर्मी कमांडर, कितने कोर कमांडर लेवल के हमारे मुसलमान रह चुके हैं राइट, हमारे कितने एम्बेसडर मुसलमान रह चुके हैं राइट, फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए कितने मुसलमान है, द थ्री खान्स उनके अलावा भी हैं राइट, आप क्रिकेट देख लीजिए, सलीम दुर्रानी से लेकर मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर कितने लोग, मैं कैप्टन्स की बात कर रहा हूं सर, मैं ऐसा नहीं कि मैं इरफान पठान फास्ट बॉलर था उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कैप्टन्स की बात कर रहा हूं। आप बिजनेस में देख लीजिए सर, जो आजिम प्रेम जी है और ये सिप्ला वाले द जेंटलमैन आई फॉरगेट हिज नेम, कितने ये अरबों पति हैं सर, दे आर 10 times richer than द richest पाकिस्तानी, आजम प्रेम जी के साथ पास इतना पैसा है, विप्रो का जो चेयरमैन है सर, मालिक है, मैंने विप्रो में काम करा है, हमें आज तक पता ही नहीं लगा कि आजम प्रेम जी जो है वो मुस्लिम है, हमें विप्रो छोड़ने के बाद पता लगा, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा ही नहीं, विप्रो में सिर्फ प्रोफेशनल एक्सीलेंस की बात होती है, मजहब की बात ही नहीं होती, तो हमने भी नहीं, क्योंकि हमें सुनाया नहीं तो हमने सुना नहीं,
तो भारत में सिस्टम अलग है, लेकिन पाकिस्तानियों को आप ये बताएंगे तो पाकिस्तानियों को फिर अगर वो मान गए, वो मान नहीं सकते सर, पाकिस्तानी वो मान नहीं सकते, उनको भारतीय मुसलमानों की बात करनी है क्योंकि उनको प्रूफ करना है, वरना भारतीय मुसलमान ये बोलेगा कि यार एक बात बताओ तुमने पाकिस्तान बनाया क्यों, और भारत का मुसलमान पूछेगा और पूछता है कि तुमने पाकिस्तान बनाया क्यों, देन पाकिस्तानीज विल हैव नो आंसर। तो ये तो चलता रहेगा सर, ये सवाल जवाब का मामला चलता रहेगा। पर मैं एक बात बताऊं सर, पाकिस्तान शुड रिलीज, पाकिस्तान इतना हिमायती बनता है भारतीय मुसलमानों का, पाकिस्तान कम से कम एक लिस्ट जारी करे कि साहब इतने भारतीय मुसलमान थे जो भारत से इतने परेशान थे कि उन्होंने बोला साहब हमें पाकिस्तान में, हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए। आपको एक बात पता है सर, छोटी सी, जी जी एक छोटी सी, माफ कीजिएगा जी, पाकिस्तान ने कश्मीर में जितना भी हल्ला करा ना सर, ये जिहाद विहाद का, भारत से मुसलमान केरल से खासतौर से सीरिया चला गया लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट के साथ सर, ये कश्मीर नहीं जाते लड़ने के लिए क्योंकि उनको पता है फ्रॉड है कश्मीर पे। जी सर, पूछ लीजिए इनसे, पाकिस्तानियों से पूछिए सर कि कोई इंडियन मुस्लिम जो मेनलैंड से कश्मीर के बाहर से कोई मुसलमान आए जिहाद लड़ने के लिए, वो कहते हैं फ्रॉड है, मुसलमान कहते हैं कि कश्मीर में चोरी चल रही है, सब झांसा है, तो वो नहीं जाते मुसलमान हमारे। नहीं, बड़ी आपने अच्छी बात की सर, जब पाकिस्तान बनता है उसके बाद एक जज्बाती मूवमेंट थी, बहुत सारे मुहाजिर जो अपने आप को कहते हैं वो पाकिस्तान गए, वहाँ पे सेटल हुए, अच्छी पोस्टें भी ली, लेकिन आज वही उन्हीं की अक्सरियत पाकिस्तानियों जो नहीं, जो नॉन मुहाजिर पाकिस्तानी उनकी नज़र में गद्दार हैं, और वही मुहाजिरों की नस्लें आज अपने आप को कह रही हैं कि हमारे बड़ों से गलती हुई। हमारे दोस्त का एक शेर है, कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने सोचकर घर नहीं बनाया। तो मैं सब, आप इसको कैसे देखेंगे कि जब ये प्रोपेगेंडा करते हैं जी भारत में मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, तो कितने मुसलमानों को ये एकोमोडेट कर सकते हैं पाकिस्तानी मजीद, और जो गए थे उनकी नस्लें रो रही हैं, तो इस पे क्या कमेंट्री करेंगे आप? सर थोड़ा सा अगर हम इतिहास में जाए ना कि जब पाकिस्तान बनाया तो जिन्ना ने तो यही बोला था कि, और मौदूदी जो थे या फिर अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल तो पहले ही खत्म हो गए पाकिस्तान बनने से पहले, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था जो अलीगढ़ से निकला कहीं और से भी निकला, वो यही था कि अगर हिंदुओं के नीचे रहेंगे या हिंदुओं की अक्सरियत होगी तो यहाँ पे जुल्म होगा हमारे ऊपर, और हमें अपना जो पोटेंशियल है वो रीच नहीं कर सकते, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस जो हमारा पोटेंशियल है हम उसको रीच नहीं कर सकते। मुझे आज तक एक बात कोई समझा दे सर, पाकिस्तान से खुद ये आवाजें आती हैं कि 800 साल हमने हिंदुओं पर राज करा, ये स्टेटमेंट गलत है अपने आप में, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं हम मान लेते हैं सर, एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, फर्ज कीजिए कि चलिए मुसलमानों ने हिंदुओं पर 800 साल राज करा, जब मुसलमानों ने राज करा उनके बाद अंग्रेजों ने राज करा, फिर तो 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद क्राउन आ गया सर, फिर 90 साल के बाद 1947 में 14 को पाकिस्तान बन गया, 15 को भारत आजाद हो गया, यही तो स्टोरी है सर। अगर मुसलमानों ने भारत पे 800 साल राज करा तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत अक्सरियत में हमें अपना पोटेंशियल रीच नहीं करने दिया जाएगा, इनको क्या एक्सपीरियंस है? अगर कोई हिंदू ये बोले कि मुसलमानों के अंदर हमारे ऊपर जुल्म हुआ तो वो कह सकता है क्योंकि राज करा मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर एज पर पाकिस्तानी मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर राज करा, तो कोई हिंदू का कहने का यह हक बनता है कि साहब हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, क्योंकि राजा ही तो जुल्म करता है, नीचे जो है गुलाम थोड़ा ना जुल्म करता है सर, प्रजा थोड़ा ना जुल्म करती है, जुल्म तो ऊपर वाला ही करता है, तो ये जो ऊपर वाला है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम ये कभी हिंदू रहा ही नहीं, तो इनको कैसे पता कि ये जुल्म करेगा सर, इनको पता कैसे ये? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ये जो मैं बता रहा हूं क्यों पाकिस्तान में इतना कंफ्यूजन है सर, क्योंकि जिन्ना साहब का ये जो पाकिस्तान जब बन गया अंग्रेजों के आशीर्वाद से बना, जैसे भी बना, जब पाकिस्तान बन गया पूरा, इन्होंने मांगते वक्त भी इन्होंने नहीं सोचा था कि मैं इसका करूंगा क्या पाकिस्तान का, और ये सारी इक्तदार की लड़ाई थी सर। महात्मा गांधी ने कोई पोजीशन नहीं ली भारत बनने के बाद, आप अगर गांधी जी को देखें, गांधी जी चाहते तो अगले दिन प्रेसिडेंट बन जाते भारत के, प्राइम मिनिस्टर बन जाते, वो जिस गद्दी पे हाथ रखते वो गद्दी उनकी थी, कोई उनके सामने खड़ा नहीं रहता, जिन्ना ने गद्दी पे हाथ रखा और गद्दी ली, गांधी जी ने कोई गद्दी नहीं ली। आप नियत देखिए सर, गांधी जी से हो सकता है कई गलतियां हुई, ह्यूमन बीइंग,
भगवान थोड़े ना थे, इंसान थे, गलती होती है इंसान से, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट सर। पर गांधी जी की ये भी हमें बात माननी पड़ेगी, गांधी जी ने कोई गद्दी नहीं ली अपने लिए, कोई कुर्सी नहीं ली, कोई चेयर नहीं पकड़ी अपने लिए कि मैं ये बना दूं, इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों का मुल्क है, उस जमाने में 40-50 करोड़ जितने का भी था, और अब मुझे इसका बेताज बादशाह बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बना दो, प्राइम मिनिस्टर बना दो। लेकिन जिन्ना साहब ने तो फट से गद्दी पकड़ ली उन्होंने। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि कोई रोडमैप 75 साल में पाकिस्तान का कोई रोडमैप नहीं है सर, 75 साल में पाकिस्तान का कोई रोडमैप नहीं। तो ये ऐसी एक जगह से ठोकर खा के दूसरी जगह जाना, इससे पैसे पकड़ना, यहां से मांगे तंगे का ये करना वो करना, ये सब चलता चला, और ये कंफ्यूजन है। और अपने आप में दिलों में वो जो ज्वाला है, वो जो आग है, वो जो चीजें, उसको जिंदा रखने के लिए आपको हिंदू हेट्रेड चाहिए, और कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी इस बात पे बिल्कुल खरी बैठती है, क्योंकि अपने आपको सुनाते रहते हैं स्टोरी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर भारत का मुसलमान ये कह दे कि ठीक है भैया, मेरे अपने चैलेंजेस हैं और हर एक मुल्क में होते हैं, लेकिन आई एम रीजनेबली हैप्पी, ठीक है, हिंदुओं के भी चैलेंजेस हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, सबके यहाँ चैलेंजेस, 140 करोड़ का मुल्क है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैलेंजेस ना हो। अमेरिका में नहीं है चैलेंजेस, है ना? अब अमेरिका में अगर कोई भी ऐसा ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स कहते हैं कि हमारे खिलाफ चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस के खिलाफ से देर इज लॉ विच लुक्स आफ्टर देम, देर आर अ ग्रेट डील ऑफ वाइट पीपल हु लव एंड रिस्पेक्ट देम, रेसिज्म भी एक सच है, राइट? तो हर जगह ये होता है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्लैक्स ने बोला कि नहीं कल हम अफ्रीका जा रहे हैं वापस, जहां से हमारे पूर्वज आए थे, नोबडी सेड दैट, दे आर हैप्पी इन अमेरिका, उनका प्रेसिडेंट भी बन गया पहला बराक ओबामा, उनके पेंटागन के चीफ्स बने हैं, उनके बड़े बड़े लोग बने हैं सर, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजिशंस दैट अमेरिका हैज टू ऑफर, उनके अपने अरबपति हैं, बिलियनर्स हैं, तो एक चल रहा है ना सर माशरा। लेकिन पाकिस्तान को ये हर समय ये सोचना कि भैया हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम इस तरीके से कोई भी चीज करेंगे जिससे दुनिया को यह पता लग जाए कि भारत के मुसलमानों को बड़ा दिक्कत है, कश्मीर में बड़ी दिक्कत है, बिकॉज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रूव द टू नेशन थ्योरी, उनको टू नेशन थ्योरी प्रूव करनी है सर, विदाउट प्रूविंग द टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट, और पाकिस्तान का जो रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है, जो पाकिस्तान को वजूद में लेकर आया है, दैट वाज द टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन थ्योरी क्या कहती है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। आपका ये मानना कि साथ रह सकते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान टाइम पेस एंड दैट दे कैन नॉट अलाउ सर। जी देखिए, मैं भी मेरे सब भारत साल में एक बार तो कम से कम जाता हूँ, और जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके साथ मेरे कई दिन गुजरते हैं, और उनमें ऐसे भी मुसलमान बहन भाई हैं जिनके साथ मेरा वक्त गुजरता है जो मोदी सरकार के सपोर्टर भी नहीं है, लेकिन उनका कभी कोई ये गिला नहीं होता कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और भारत से नाखुश हैं। वो वहाँ पे बढ़िया कारोबार कर रहे हैं, जिस जिसकी जो कैपेसिटी है उसमें वो जी रहा है, जॉब्स कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी लखनऊ में था, मैं सब वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर जो मुसलमान थे उन्होंने मुझे बताया, सारा दिन वो हमारे साथ रहे, तो उन्होंने कहा कि हमें योगी जी से तो कोई गिला ही नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया गवर्नेंस कर रहे हैं, ये अलग बात है कि मैं उनको वोट नहीं देता। अब मैं ये बात सुन के बहुत हैरान हुआ कि वो कह रहे हैं मैं वोट भी नहीं देता और मुझे उनसे गिला भी कोई नहीं है। ठीक है, ये है भारत का पूरा स्ट्रक्चर जो मैं देखता हूँ। लेकिन मेरे साहब, पाकिस्तान में जो मैंने अभी पीछे कहा, जो महाजर गए उनके साथ जो बुरा सलूक हो रहा है, उनकी नस्लें अब तौबा कर रही हैं, और ये जो टू नेशन थ्योरी का ये जो चूरन है, जो असल में 1971 में ख़त्म हो गया प्रैक्टिकली, जब बंगाली मुसलमानों ने कहा कि भाई हम आपके साथ नहीं रह सकते, तो टू नेशन थ्योरी वो हिंदू और मुस्लिम की बेस वाली वो ख़त्म हो गई। अब मेरे साहब, हम आखिर में दो एक बातें जो आपसे जानना चाहते हैं, इतने खौफनाक क्राइसिस में पाकिस्तान गुजर रहा है, भारत के रिडार पे भी पाकिस्तान नहीं है, आप भी पीछे बात की ट्रैक टू के लोग ये वो भी बड़े कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे हमारे दोस्त सुशांत सरीन हैं, आपके भी दोस्त हैं, वो भी बहुत करीब से जानते हैं, वो भी भारत जब कभी हम जाते हैं तो मिलते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। मैं उनसे भी कहता हूँ कि ये एक ऐसा माइंड सेट है जो 1947 से कई जनरेशन से चला आ रहा है। तो मेरे साहब, ये बताइए कि इस सारे चक्कर में सारा प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश, यही कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, सारी बातों के खिलाफ खुद असदुद्दीन अवैसी साहब कई बार कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान का ये जो माइंड सेट है ये पागलों का माइंड सेट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी लैंग्वेज है असदुद्दीन अवैसी साहब की। तो मेरे सब इस सारी सूरत हाल में क्या कोई परवाह है भारतीय मुसलमान को या इवन भारत को भी पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे की? सर बेसिकली एक अंग्रेजी में ना एक अमेरिकन सेइंग है सर,
idiom है, it's called a one trick pony, जो एक पोनी है जिसको एक ही ट्रिक आती है सर, वो जो सर्कस में उछलते नहीं है तो उसको एक ही ट्रिक आती है. तो पाकिस्तान इज अ वन ट्रिक पोनी. पाकिस्तान को बस इस्लाम, मुसलमान, इस्लामोफोबिया, इससे आगे बढ़ नहीं पाए आगे सर. और यही चूरन बेचते हैं अपने लोगों को, भारत के मुसलमानों को, दुनिया भर में जहां जाते हैं ये एक ही बात करते हैं सर. इनको ये भी नहीं पता कि ये खाना बासी हो चुका है, अब इससे बदबू आ रही है. कोई इसमें घुसना नहीं चाहता, कोई इस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये दुनिया, इट्स अ ग्लोबल विलेज. दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है सर. लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और पीपल आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी एक जिस बंदे ने, अ फॉर्मर गूगल इंजीनियर, उसकी काफी उम्र हो गई है, उसका इंटरव्यू कहीं आ रहा था, वाज रीडिंग, ही सेड दैट बाय 2030, यानी कि 7 years फ्रॉम नाउ, जो लॉन्जिटिविटी है ह्यूमन बींग्स की वो बढ़ जाएगी. क्योंकि कहते हैं कि नैनो रोबोट्स, जो बहुत छोटे छोटे हैं सर, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर, वो शरीर में जाएंगे और वो शरीर की जो चीजें हैं उनको साफ करेंगे कि इंसान की जिंदगी, और तो आपकी किडनीज को ठीक करेंगे, आपके लिवर को ठीक करेंगे, आपके लंग्स को, आपकी आर्टरीज के अंदर जाएंगे, दे विल बी देयर इनसाइड योर बॉडी. तो ऐसी कुछ चीजें, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, तो लोग वहां पर जा रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान सर अभी भी उसी में भरा हुआ है कि कश्मीर है, मुसलमान है. और मुझे एक और चीज लगती है सर कि काफी जो पाकिस्तान कहता है ना कि देखिए, वी मस्ट सेपरेट पीपल फ्रॉम द रिलीजन. मजहब अलग चीज होती है. लोग, मुझे नहीं लगता कि भारत में भी या कहीं और पे भी किसी की सर इस्लाम से गिला है. कुछ चंद मुसलमानों की हरकतों से गिला है. ये इस्लामोफोबिया नहीं है सर, ये मुस्लिम फोबिया है कई जगह. इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम. आई थिंक इट हैज टू डू विद द एक्शन ऑफ सम मुस्लिम्स हु टेंड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर. वो चीज है. तो ये मेरे थॉट्स है सर. ये दीज आर माई प्राइमरी थॉट्स ऑन द मैटर. बट वही चीज है सर कि ये वन ट्रिक पोनी वाला जो मामला है ना, कि एक ही चीज में इमरान खान टेलीविजन चैनल भी बनाएगा तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ, और उसके सपोर्टर्स बड़े खुश हैं. अरे आप क्यों इस्लाम को छोड़िए ना प्लीज. इस्लाम मतलब, व्हेन आई से इस्लाम को छोड़िए, मेरा ये मतलब नहीं है कि मुसलमान बनना छोड़ दीजिए. आप मुसलमान रहिए, आप रोजे रखिए, इबादत करिए, आप कुरान पढ़िए, आप नबी को मानिए, अल्लाह को मानिए, आप रोजे रखिए, आप सब कुछ करिए, ठीक है, पर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाइए. या इस्लाम को छोड़ने से मुराद जो आप कह रहे हैं वो ये है कि उसको पॉलिटिक्स में ना घुसेड़े सर. इन्होंने क्या करा है कि इस्लाम को कॉलर से पकड़ के अपने बिल्कुल शरीर के ऐसे बगल में रख दिया है कि बस यही है जो है, और इससे दुनिया चलती नहीं है सर. और सर वो इस्लाम को भी नहीं समझते, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं अनफॉर्चुनेटली. वो तो है ही सर. जब आप देखिए, जब आपके पास वन ट्रिक पोनी है ना, आपको आपको एक ही जो पहलवान है जिसको एक ही दाव आता है सर, वो एक ही दाव लगाएगा. इनको आता ही वो दाव है पाकिस्तानियों को. दे कैन नॉट, मेनी ऑफ देम, एंड देयर आर सम ऑफ देम हु आर जीनियसेस, लाइक डॉक्टर परवेज उद्दोय हैं, बहुत वो हैं सर. और मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जो स्कॉलर आदमी है सर, वो बड़े, जिसको कहते हैं कि यू नो, इफ ही एवर कम्स टू इंडिया, मैं तो, मुझे ट्रैवल करना पड़े सर, बंबई कहीं पे भी हो, मैं उनसे जाके एक बार उनसे हाथ जरूर मिलाना चाहूंगा. आपके कितने अच्छे अच्छे लोग हैं सर. बात यह है कि इन लोगों की आवाज दब जाती है पाकिस्तान में, क्योंकि एक तो इन्होंने इस्लाम की रूह नहीं समझी और इस्लाम को पॉलिटिसाइज कर दिया सर, और इस लेवल तक पॉलिटिसाइज कर दिया इस्लाम को कि अब कोई सवाल पूछता है तो वो फिर गुनहगार हो जाता है, फिर वो ब्लास्फेमी कर देता है, फिर उसके ऊपर एक्शन लेती है भीड़ी, उसको मार देती है. तो इस तरीके का एक आपने माशरा जो है वो तैयार कर दिया है, जहां पे लॉजिक नहीं चलता सर, जहां पे फेथ के नाम पे लोग अलग अलग गलत गलत चीजें कर रहे हैं और उसी फेथ को खराब कर रहे हैं, और कस्में भी उसी फेथ की खा रहे हैं जिसको खराब कर रहे हैं. तो ये चल रहा है सर पाकिस्तान में. जी, आपने परवेज हूदबाई का जिक्र किया, उन जैसे जो साथी हैं, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कहीं कहीं मैं बहुत एहतराम के साथ उनके साथ भी डिसएग्री करता हूं, जब मैं ये वाज़े तौर पर देखता हूं कि हिंदुइज्म की समझ उनको भी नहीं आ रही. वो भी हिंदुइज्म को उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह इस्लामिज्म है. क्या आपको भी ऐसा फील होता है? सर देखिए ना, मैं परवेज हूदबाई साहब, ही इज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ठीक है, और मैं उनके इल्म की इज्जत करता हूं. मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान ये कहे कि सब मैं हिंदुइज्म समझता हूं कि नहीं समझता. मैं कहता हूं कि मुसलमान पे फर्ज है कि तुम इस्लाम तो समझ लो यार, हिंदुइज्म तुम समझो ना समझो छोड़ दो हिंदुइज्म, लेकिन रिस्पेक्ट तो करें ना. नहीं, रिस्पेक्ट देखिए, बात ये होती है ना कि सर आप जिस मुआशरे में रहते हैं,
आप वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। आप मैं आप उससे मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में देखिए आप जब भी किसी से, हम तो देखते हैं उनका यूट्यूब में टीवी चैनल्स में कि वो कितनी आसानी से वहां पे कम्युनलिज्म जो है बड़ी नॉर्मलाइज्ड है पाकिस्तान में, ठीक है। आप किसी भी मजहब को गाली दे सकते हैं, आप हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, आप टेलीविजन पे एक दूसरे बंदे को जो कि मुस्लिम है आप उसको ये बोलते हैं कि अरे तू तो हिंदू है, मतलब कि मैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसको कोई गाली दे रहा हूं, तो ये पाकिस्तान में ये नॉर्मल डिस्कोर्स है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा पाकिस्तान में, क्योंकि वो देखिए अब जिसको जिस बच्चे को जैसा सिखाते हैं बच्चा वैसे ही, अब उसको अब देखिए ना, खुदबो साहब ने भी तो बचपन में पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी होंगी सर, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि उन्होंने पढ़ी होंगी पाकिस्तान स्टडीज। अब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी तो क्या ही कर लेगा वो, तो बंदा मैं इंस्पाइट ऑफ स्टडिंग पाकिस्तान स्टडीज ही सच एन आउटस्टैंडिंग गाय, तो ठीक है सर जो कमियां होंगी वो हम सब में होती हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जनरली देर आर गुड पीपल इन पाकिस्तान, देर आर ब्राइट पीपल इन पाकिस्तान, आपके टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग हैं सर बड़े तगड़े, वेरी सॉलिड पीपल सर, हु हैव अ वेरी कीन सेंस ऑफ ऑडियंस, बट वही चीज है कि उनको नहीं इतना मौका मिल पाएगा पाकिस्तान में, बिकॉज यहाँ पे नैरेटिव और डिस्कोर्स ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है सर पाकिस्तान में उसका, आई डोंट थिंक, अल्लाह ही मालिक है सर उसका। जी आखिर में मैं इस हवाले से भी आपकी राय लेना चाहूँगा कि वहाँ से जो प्रोपेगेंडा है वो, जिसे आपने वन ट्रिक की बात की, वो एक ही ट्रिक आता है, तो वो प्रोपेगेंडा हर वक्त 24/7 इवन पाकिस्तान के सो कॉल्ड सेकुलर प्रोग्रेसिव सर्कल से भी भारत के ख़िलाफ़ और प्रिसाइजली हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ आता रहता है, और मुसलमानों की हालत ज़ार की वो एक पिक्चर खींचते रहते हैं। मैं खुद पर्सनली मेरे साहब जब भी जाता हूँ, आप हों भारत का कोई भी हो, साथी इतनी मोहब्बत से मिलता है हमें, चूँकि मिलियंस लोग देखते हैं। अभी पाकिस्तान के एक ट्रैवल व्लॉगर इन्हीं दिनों जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भारत में हैं, और मैंने देखा गुड़गांव में जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ, मीटअप उनके साथ किए गए, मिस्टर इब्रार हसन शायद उनका नाम है, मैं भी उनके व्लॉग्स देखता हूँ, तो वो सब जानते हुए कि भाई ये पाकिस्तानी ओरिजिन का है, जर्मनी की इसकी सिटीज़नशिप है, जैसे मैं हूँ पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ, कनाडा की सिटीज़नशिप है, और जो भी कोई वहाँ पे मोहब्बत का पैगाम लेके जाता है भारत में उसको सर आँखों पर बिठाया जाता है, तो ये एटीट्यूड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें नहीं मिलता। वो वहाँ पे दलेर मेहंदी के लिए कोई अच्छा फंक्शन तो कर लेंगे, मगर हिंदू और सिख के लिए एक नफ़रत जहन में रहेगी, ये फीलिंग आपकी भी आती है? सर मेरा तो, मेरा ऐसा पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी के खिलाफ मेरे जहन में कुछ नहीं है सर। मेरे तो जान पहचान के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ उनसे, तो मेरे दिल में तो नहीं है। हाँ उनकी जो फौज है, और क्योंकि हम एक्चुअली क्या होता है ना कि सर थोड़ा सा हम लोगों का भी, इंडियंस का भी थोड़ा सा मामला इस मामले में खराब है कि वी लुक एट आर आर्मी and then we try and compare it to the Pakistan army, naturally as Indians we will compare, so we compare it, फिर हम कहते हैं यार ये बड़ी अजीब सी फौज है पाकिस्तान की, ठीक है खुद के आइन को फाड़ के फेंक दिया, खुद ये चढ़ दौड़े, तो we don't understand because our army is very very disciplined, हमारी फौज civilian control के अंदर ही रही है 75 साल, कभी एक मौका नहीं आया, कभी military dictatorship तो बहुत दूर की बात है सर, कभी किसी ने किसी के साथ ड्रॉइंग रूम में बात भी कर दी हो ऐसी, ये भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो we are very surprised कि ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में। So my only this thing is against the Pakistani deep state, the Pakistani establishment, और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, जो कि आपको जहर घोलना है हिंदुस्तान के लिए, आप जरूर घोलिए जहर, आप जरूर उगलिए जहर, ये आपका हक है, आपको भारत को बुरा कहना है कहिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए। यू मस्ट सर एक्चुअली जहर घोलना और प्रोपेगेंडा के बीच में फर्क होना चाहिए। मैं रोज पाकिस्तानी स्टेट की तनकीद करता हूं, रोज एवरी सिंगल टाइम, और एक बार तो दिन में कई बार भी करता हूं मैं, लेकिन आई ऑलवेज बैकअप माई क्लेम्स विद डेटा कि देखिए ये खबर आई है, मैं इस पर अपना तबसरा दे रहा हूं, मैं इस पर अपना एनालिसिस दे रहा हूं, ये खबर आई है, दिस इज द न्यूज, ये डॉन की है, ये जियो की है, ये द न्यूज की है, ये फ्राइडे टाइम्स की है, एक्स वाई जेड पाकिस्तान न्यूज पेपर की खबर है, इस पर मैं ही कह रहा हूं, सो आई एम बैकिंग अप माई This thing with some attribution, कुछ attribution है। यहाँ पे अब पाकिस्तान के एक पता नहीं वो हरून क्या नाम है उनका, बुजुर्ग है सर हरून क्या नाम है, वो टीवी पे आते हैं। जी 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 आप समझ गए मैं किसकी बात। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हरून साहब है सर, बुजुर्ग हैं,
वो लोग कुछ ऐसी ऐसी चीजें कह देते हैं ना सर कि आपको हंसी आ जाएगी, और लोग कहते हैं सर आप बड़े दानिशमंद हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। ओरिया मकबूल जान जान साहब कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं ना, आप जहर उगलिए भारत के लिए जरूर, आप जितनी कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज्यादा उगलिए, लेकिन बी सेंसिबल, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। फॉर एग्जाम्पल ये हारून साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, हारून उन्होंने की बात कर रहे हैं सर, वो जिनके बाल नहीं है ऊपर से, बुजुर्ग से हैं थोड़े से, बड़े उम्र में बड़े हैं सर, पूरा हारून ऐसी कुछ नाम है उनका, आई डोंट रिमेम्बर। तो हारून साहब ने बोला कि इसराइल का एक प्लान है जिसमें 100 मुसलमान सिटीज के ऊपर उन्होंने टारगेट बना रखा है, और उसमें इस्लामाबाद और लाहौर भी है, और एंकर जो बगल में बैठी हुई कह रही है ऐसा है, कह रही बिल्कुल ऐसा है, वो भी है कह रही है, ये भी है कह रहे हैं सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अच्छा उनसे कोई ये नहीं पूछता कि सर वो जरा जो इसराइल ने 100 मुसलमान शहरों के ऊपर जो अटैक करने का प्लान है वो कागज कहां है सर, आपको कैसे पता? इनसे कोई पूछे कि हारून साहब आपको कैसे पता? हारून साहब से आप ऐसे पूछ देंगे तो शो से चले जाएंगे, वो गुस्सा हो गया, उन्होंने बोल दिया, वो तो खुदा की आवाज है, उन्होंने बोल दिया। उसी तरीके से आपके और लोग कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में भारत अटैक करेगा, और सर 10 साल से मैं सुन रहा हूं अगले 3 महीने में भारत अटैक करेगा, हर 3 महीने में भारत अटैक करते थे पता नहीं क्या। सो मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के लिए हमें प्रेम का पैगाम या प्यार का पैगाम पाकिस्तान से चाहिए, आप नफरत ही बांटिए, दबा के नफरत बांटिए, रोज बांटिए, लेकिन बी लॉजिकल अबाउट इट। आप कहते हैं भारत में बुराई है, ये प्रूफ है, ये बोला है, ये नॉट ओपिनियन पीसेस, डेटा। ओपिनियन किसी का कुछ हो सकता है, कोई इंडियन ही ऐसा हो जो बोले कि भारत की जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो बिल्कुल बेकार है, वो उसका ओपिनियन है, किसी अखबार ने छाप दिया तो आपने बोला देखो भारत। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपिनियन पीसेस, ठीक है, दे आर गुड फॉर रीडिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड फैक्ट्स, हार्ड डेटा, गणित, मैथ्स की बात कर रहा हूं। आप मैथमेटिकल डेटा लाइए और बोलिए भारत में गलती है, हम भी मानेंगे सर आपकी बात। वो नहीं करते, इसराइल ने 100 मुसलमान शहरों के ऊपर अटैक करना है जिसमें इस्लामाबाद और लाहौर, अब इसका क्या लॉजिक है सर? अब आप तो नहीं बोल सकते है कुछ जी। बहुत आखिर में मैं हमेशा की तरह आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ सिचुएशन है उस पे, या और इंटरनेशनल अफेयर्स पे आपका फोरम चाणक्य फोरम किस तरह एनालाइज चीज़ों को आर्टिकल्स की शक्ल में कर रहा है या टीवी डिबेट्स की सूरत में कर रहा है? सर हम तो इसके ऊपर बात करते रहते हैं चाणक्य डायलॉग्स पे, हर दूसरे तीसरे दिन हम पाकिस्तान का कोई टॉपिक उठा के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, और हम इसके ऊपर एक पैनल डिस्कशन भी रखेंगे सर, जब चाणक्य डायलॉग्स होगा, जो फंक्शन होगा हमारा, तो हम उसके ऊपर कॉन्क्लेव होगा, उसके हम ऊपर एक टॉपिक जिसमें हम एक्सपर्ट्स लेकर आएंगे, एंड वी विल ट्राई एंड गेट देयर माइंड्स ऑन इट, दीज एक्सपर्ट्स हु हैव बीन टू पाकिस्तान, हु नो पाकिस्तान वेरी वेल, हु हैव फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, हु हैव रिटन पेपर्स ऑन पाकिस्तान, देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव गॉट पीएचडीज इन दैट सब्जेक्ट, तो उनको बुलाएंगे सर एक प्लेटफॉर्म पे, और उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे कि ये यू नो व्हाट मेक्स दिस कंट्री बिहेव इन अ सर्टेन मैनर व्हिच इज डेट्रिमेंटल टू इट्स ओन। सर ऐसा कौन होगा जो अपनी बर्बादी का जश्न खुद मनाता है? ऐसा कौन होगा सर जो जिनको बड़ा मजा आ रहा है कि देखो हमारे मुल्क में आग लग रही है, बड़ा मजा आ रहा है? ये माइंडसेट मेरी समझ के परे है, मैं समझ नहीं पाता है माइंडसेट सर। जी बड़ी अहम बात की आपने, बड़े अहम एनालिसिस पे मैं आज की बातचीत ख़त्म करता हूँ कि ये जो सैडस रवैया है कि अपनी ही बर्बादी को सेलिब्रेट किया जाए, बहुत अहम बात की आपने। मेरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने वक्त दिया। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की, इनके चाणक्य फोरम के ऐप्स भी आप डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट को भी रेगुलरली विज़िट कीजिए, और इन्हीं की वेबसाइट और इन्हीं के ऐप्स पे आपको ऐसे लिंक भी मिल जाएंगे जिससे आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। मैं भारतीय डायस्पोरा जो कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो हमारा शो देखते हैं, उनसे मेरी विनती है कि मेजर साहब के साथ जुड़ें, इनके फोरम के साथ जुड़ें, इनकी आवाज़ को एम्पलीफाई करें। आज की बातचीत मेरे साथ मेजर साहब के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में टैग टीवी की ऐप्स को भी आप रॉको, अमेज़ॉन, एंड्रॉयड और एप्पल पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़, व्यूज़ और एंटरटेनमेंट के शोज 24/7 वॉच कर सकते हैं।
सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।